नमस्कार पंजाब केसरी में आप सभी का स्वागत है। और आज के दिन की जो बड़ी खबर है वो राजू टहट हत्याकांड का जो मामला है, जो गैंग वॉर हुआ, वो आज दिन भर का एक बड़ा मामला है। लेकिन उसी से जुड़ती हुई एक खबर, वैसा ही एक मामला बवाई क्षेत्र से सामने आया है, जहां पे चार बदमाशों ने वहां पर फायरिंग करी है और पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर वो बदमाश जो है वो वहां से भाग निकले हैं। वो बताया जा रहा है कि उनके पास क्रेटा गाड़ी थी, क्रेटा गाड़ी में वो चारों बदमाश सवार थे और वहां पर 3 राउंड आपको बताया उन बदमाशों ने वहां पर जो है फायर किए हैं। और इस घटनाक्रम को भी कहीं ना कहीं राजू टेहट मर्डर से जोड़कर देखा जा रहा है। तो इसी सब को लेकर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरिनाम इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। हरिनाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से आज राजस्थान के सीकर जिले में जो राजू ठेहट गोली मार के हत्या कर दिए गए, उन सबको देखते हुए पूरे राजस्थान में पुलिस एक्टिव हो चुकी है। पहले पुलिस एक्टिव अलग मोड़ में पहुंच गई थी। वहीं अगर देखा झुंझुनू के इलाके में जहां नाकाबंदी लगाया गया था, नाकाबंदी के तहत अगर बात देखा जाए तो बबाई एक एरिया है, बबाई में जो पुलिस ने नाकाबंदी कर रखा था, वहां पर एक क्रेटा गाड़ी से करीब 4 बदमाश ने जब देखा कि पुलिस उनके आसपास आ रही है तो उन्होंने वहां पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोलियां चलाने के साथ साथ वो कई राउंड इतने मारे कि वहां पर जब एसपी जो कहा जा सकता तेजपाल सिंह खेतड़ी के थे, वो भी वहां पहुंचने वाले थे। उनको देखते वो गाड़ी को लेके पंजाब की तरफ चले गए, पंजाब और हरियाणा की तरफ निकल गए। मगर जिस तरह से राजस्थान के इतिहास में कहा जा सकता है कि इतिहास में सबसे तरफ एक तरफ अगर जोड़ के देखा जाए भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, तो वही जन आक्रोश रैलियां चल रही है, तो उन सबके बीच में ये जो एक कहा जाता है कि जो बहुत बड़ा कहा जाता है गैंगवार के साथ जो गोलीकांड हुआ है, गोलीकांड को देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को फेल करते हुए देखा जा रहा है। जिस तरह से कुछ राजू ठेहट थे वो आने वाले चुनाव की तैयारियां भी चल रहा था, तैयारियों को देखते हुए अपनी बच्चियों को लेके एक कोचिंग सेंटर गए थे। कोचिंग सेंटर के अंदर वो ड्रेस दिला रहे थे, उनको दिन दहाड़े जिस तरह से हत्या किया है कि ये मर्ममता देखा जा सकता है। राहुल, ये भी आपको बताना चाहूँ राहुल कि जिस तरह से ये हो रहा है, कहीं ना कहीं आनंद पाल जैसे कुख्यात होने के बाद भी आनंद पाल से हमेशा बदला लेने के लिए राजू टेहट तैयार रहते थे, मगर आने वाला जिस तरह से पुलिस प्रशासन के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन के ऊपर कहा जा सकता है पुलिस प्रशासन फेल हो चुके, कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि अब इसमें मुख्य एक्शन क्या लिया जाता है। राहुल, बिल्कुल बिल्कुल हरिनाम जी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि भाई इस वक्त इस तरह के प्रकरण जो है वो लगातार राजस्थान में देखने को आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं बार बार। आज ही के दिन की ये दूसरी घटना हुई है जहाँ पे फायरिंग हुई है, 3 राउंड फायर हुए हैं। तो पुलिस प्रशासन जो है वो वहां पर इस वक्त क्या कुछ कर रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? अगर देखा जाए राहुल, अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो जिस तरह से सुबह से ये गैंगवार हुए हैं, उन सबके डीजीपी उमेश मिश्रा है वो अपने हाथ में कमान ले लिया है। कमान लेने के बाद जिस तरह पूरे राजस्थान में 33 जिला में 33 एसपी को उन्होंने आगाह कर दिया है, अगर बीकानेर की बात करें, नागौर की बात करें या जोधपुर की बात करें, अलग अलग इलाकों में अलग अलग गश्त लगाए जा रहे हैं। मगर ये देखा जाए पुलिस प्रशासन तंत्र को भी फेल किया जा रहा है राजस्थान के अंदर। कुख्यात को डर नहीं है कि राजस्थान की पुलिस में ऐसे क्या है कि पहले ये सुना जाता था राहुल की उत्तर प्रदेश में होते, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब में ऐसे देखे जा रहे, मगर अब राजस्थान एक अपराधी का गढ़ बन चुका है राहुल। बिल्कुल हरिनाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी के लिए।